फाइनली आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है, और हर बार की तरह, हर एक वीक की तरह इस बार भी मैं आपके लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे कमेंट स्पेशल वीडियो के लिए लगातार आए हुए हैं। तो इस हफ्ते के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके पहले इस दौरान जो भी नए सब्सक्राइबर, नए फैमिली मेंबर हमारे चैनल से जुड़े हुए, उनको मैं बता दूं, संडे के शाम को संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है, जिसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान आप लोगों द्वारा जो भी क्वेश्चन कमेंट संडे के लिए पूछे गए उसका आंसर स्क्रीनशॉट लेकर के डिस्कशन के माध्यम से दिया जाता है। बिना टाइम वेस्ट के चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संडे कमेंट्स के लिए इस बार बहुत सारे कमेंट जो है एलएस बहाली के संबंध में आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है कि उनका 10 वर्ष कब काउंट होगा एक्सपीरियंस के हिसाब से। किसी का जो है वो अभी सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है, किसी का कोई और क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन संडे कमेंट्स के लिए एलएस के रिलेटेड आपको पूजा सृष्टि ब्लॉग नाम से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन्होंने लिखा है, अतुल भाई अररिया जिला में सुपरवाइजर का वैकेंसी कब तक में निकलेगा? अभी मैं थर्ड पार्ट में हूँ, उससे विकास सुपरवाइजर में नहीं बन सकते हैं, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। आप संडे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, आज सुबह कहीं वीडियो में मैंने नए वाला चैनल बताया था कि कम से कम जो है 10 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगेगा। अगर आपको सेविका से सुपरवाइजर बनना है तो 10 साल तक आपको सेविका के तौर पर पिछले दिनों में काम करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन तक रेडी रहना चाहिए। तो आपके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है फिलहाल, 2 वर्ष का है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, पूरी की पूरी संभावना यही है कि 10 साल पुरानी सेविका कोई सुपरवाइजर बनाया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट विनोद कुमार नाम से आया हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं सहरसा जिले की आंगनवाड़ी सेविका हूँ, 10 वर्ष हो चुका है, मैं समाज शास्त्र से पीजी कर रही हूँ, ओबीसी वर्ग से आती हूँ, सुपरवाइजर के लिए पात्र हूँ, कृपया संडे कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने 10 वर्ष एज ए आंगनबाड़ी वर्कर यानी सेविका के तौर पर काम कर लिया है, तो आप एलिजिबल निश्चित तौर पर रहेंगी। इसके अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, वो भी अच्छे सब्जेक्ट से जो ICTS मांगता है, समाजशास्त्र से, सोशियोलॉजी से, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा फायदा आपको बोनस पॉइंट देखने को मिलेगा। आप OBC वर्ग से आती हैं तो अपना सर्टिफिकेट जरूर तैयार रखें, आप 100% सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हैं, और अपनी तैयारी जारी रखें, सारा सर्टिफिकेट रेडी रखें, बहाली में आपको चांस आपके जिले के लिए जरूर मिलेगा। एलएस बहाली के संबंध में नेक्स्ट कमेंट भूमिका सिंह नाम से आया हुआ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। लिखते हैं, थैंक्स भाई, नवादा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा आम सभा में नियुक्ति दिसंबर 2012 में हुआ था, यानी इनका आम सभा जो है दिसंबर 2012 को क्लियर हुआ था, लेकिन योगदान जो है 1 अप्रैल 2023 में हुआ था, तो क्या सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हूँ? प्लीज़ रिप्लाई करें या संडे कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन सेकेंड टाइम फिर से कर रही हूँ, सो प्लीज़ रिस्पॉन्स मी। सबसे बड़ी बात कि योगदान की तिथि से आपका 10 वर्ष काउंट किया जाएगा, तो योगदान की तिथि जो है आपका 1 अप्रैल 2013 है, तो 1 अप्रैल 2023 को ही जो है आपका 10 वर्ष पूरा हो चुका है, तो आप सेफ हैं। इस बार की बहाली में आप अपने जिले के लिए 100% एलिजिबल रहेंगी। बाकी बात यह रहता है कि अपना सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सब तैयार रखें, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, कौन सा सर्टिफिकेट कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है काउंसलिंग में, तो वो तैयार जरूर रखें। इसके अलावा आपने जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, PG कर रखा है, PhD कर रखा है, तो उसका फ़ायदा आपको अलग से ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट में इन्होंने लिखा है कि वीरेंद्र गुप्ता वेस्ट चंपारण चनपटिया से PMMBY रजिस्टर हो जाता है, लेकिन मोबाइल में एंट्री नहीं दिखाता है, क्यों? संडे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने लाभार्थी को अपने केंद्र के डिटेल से ID से रजिस्टर कर दिया लेकिन शो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर एनरोल बेनिफिशरी में आपको मोबाइल नंबर से जो है बेनिफिशरी का डिटेल सर्च करने के लिए आएगा, तो मोबाइल नंबर ज़रूर सर्च कर जाएगा अगर लिस्ट में वहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो। नेक्स्ट कमेंट श्वेता सिंह नाम से आया हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है कि अतुल भैया, मेरी सहायिका जो 2 साल से नहीं आ रही है, बस बार बार रिमाइंडर आ रहा है बट कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो क्या मैं इस बारे में DPO ऑफिस तक जाकर बात करूं? संडे कमेंट में जरूर बताएं। ब्लॉक नुआव डिस्ट्रिक्ट कैमूर, बिल्कुल सही बात है, 2 वर्ष काफ़ी बड़ा समय होता है। सहायिका का काम जो है आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में सेविका की पूरी तरीके से मदद करना होता है। एक सहायिका जो है काफ़ी मदद करती है, अगर सहायिका आपके केंद्र पर नहीं आ रही है, मनमानी कर रही है और 2 साल से एबसेंट है, ऑफिस को यह मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप DPO ऑफिस में जाकर कंप्लेन कर सकती हैं कि मेरा काम इस तरह नहीं चल रहा है, अकेले मैं परेशान हो जाती हूँ, इसकी नई बहाली कराई जाए, तो वहाँ से सोल्यूशन जरूर निकलेगा। नेक्स्ट कमेंट रंजू कुमारी नाम से आए हुए, इन्होंने लिखा है, अतुल भैया हम एक सहायिका हैं, कृपया आप ये बताएं कि जब सेविका सुपरवाइजर बन सकती है तो सहायिका से सीधे सेविका प्रमोट हो जाएगी या नहीं?
जबकि सहायक का ग्रेजुएशन किया हुआ है, प्लीज़ संडे कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी बात है कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपके पास वो डिग्री है जिससे आप सुपरवाइजर भी बन सकती हैं, लेकिन अगर आप एक सहायिका हैं और सीधे प्रमोशन से सेविका बनना चाहती हो तो ऐसा फिलहाल मेरे मुताबिक मेरे अनुभव में कोई नियम नहीं है कि सहायिका को सुपरवाइजर बनाया जाता है या प्रमोट किया जाता है। इसके लिए कहीं ना कहीं नियम या नोटिफिकेशन आएगा तो आपको डिटेल वीडियो देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट निर्मला देवी जी का है, लिखती हैं कि मैं निर्मला देवी गोपालगंज परियोजना बरौली की सेविका हूं। अतुल भैया, हमारे यहाँ अभी तक मई जून महीने का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, कब तक होगा संडे कमेंट में बताएं, धन्यवाद। देखिए, मई और जून महीने का पैसा अभी तक पूरे बिहार में कहीं भी नहीं गया है। मई महीने का जो पेमेंट है सेंड टू बैंक जाकर 1 जुलाई से अटका हुआ है, और जून महीने का पेमेंट का प्रोसीजर जो है फिलहाल सेंड टू जो है DPO तक हो चुका है। तो मेरे मुताबिक इन दोनों महीनों का पैसा जो है 14,000 रुपये कहीं ना कहीं आने वाले 10-15 दिनों में जो है एक बार देखने को मिलेगा मई और जून का। जहाँ अप्रैल का चला गया वहाँ पर मई जून का आएगा, और जहाँ अप्रैल का बाकी है वहाँ अप्रैल मई का आ सकता है। नेक्स्ट कमेंट आयुष्मान कार्ड के संबंध में है, मैंने वीडियो में बताया था किस प्रकार लाभ मिलेगा, तो लिखा गया है कि राशन कार्ड नहीं है, कैसे बनेगा संडे कमेंट में बताएं। राशन कार्ड अगर आपका नहीं है तो ये आपके ब्लॉक में जाकर अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन डिटेल देना होगा, उसके बाद वहाँ से बना दिया जाएगा। इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट इनका आया हुआ है ब्लॉग्स फॉर यू नाम से, लिखती हैं कि राशन कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक के कारण मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, तो अप्लाई कैसे करें संडे कमेंट में बताएं, मैं भी एक सेविका हूँ लखीसराय से। देखिए, राशन कार्ड में नाम है, एक आध स्पेलिंग इधर उधर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसके कारण आपका आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बन जाएगा, मैंने खुद बनवाया हुआ है। बस आपका जो आधार में डिटेल है वो सही भरे, उसी नाम से आपका जो है वो आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। अपना नाम जो आधार में है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड में है, उस हिसाब से आप एंट्री करवाएँ, आपका आयुष्मान कार्ड निश्चित तौर पर बन जाएगा। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा जो भी क्वेश्चन कमेंट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिला होगा, जानने सुनने को मिला होगा। फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।